देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आसमान छूती सरसों के तेल की कीमतों ने जहां आम आदमी को परेशान किया है, वहीं ऊंचे समर्थन मूल्य ने पंजाब के किसानों को भी सरसों की खेती की ओर आकर्षित किया है। जिस तेजी से किसान इसकी बुआई को तवज्जो दे रहे हैं, उससे साफ है अब वह दिन दूर नहीं जब सूबा धान गेहूं की तरह सरसों के लिए भी जाना जाएगा। खेती माहिरों की माने तो सरसों का रकबा हर साल 15% बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इस रफ्तार से सूबे में उत्पादन 6,40,500 क्विंटल से बढ़कर 7.5 लाख क्विंटल तक पहुंचने की उम्मीद है। सूबे में साल 1960-61 के सीजन में सरसों का रकबा 1,07,000 हेक्टेयर रहा था। 2008-09 तक यह रकबा घटकर 29,000 हेक्टेयर हो गया, यानी कि इन सालों में 78,000 हेक्टेयर रकबे में कमी आई है। विभाग के मुताबिक साल 2019-20 में 32,000 हेक्टेयर हुआ, 2020-21 में 33,500, 2021-22 में 42,700, 2023-24 में 50,000 से 60,000 हेक्टेयर के बीच होने के आसार हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पंजाब के मुताबिक कीमतों में उछाल व ऊंचे भाव से प्रेरित किसान सरसों का रकबा बढ़ाने लगे हैं। घटते रुझान का कारण मंडीकरण व रेट सही नहीं मिलना रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक सबसे खराब भूमिका सेहत माहिरों की रही है, जो लोकल तेल में खामियां निकालते रहे। 2016-17 में सरसों तेल 70 से 80 रुपए किलो था। 2017-18 में सरसों का तेल का दाम 80 से 90 रुपए किलो हुआ, वहीं 2018-19 में 100 रुपए किलो था। 2019-20 में 130 से 140 रुपए किलो हो गया, वहीं 2020-21 में सरसों तेल का दाम बढ़कर 160 से 180 रुपए किलो हो गया और वर्तमान में यह कहीं कहीं 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।